Asalaamu As Alaikum, good morning and welcome back to my channel. आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे आज का ये व्लॉग जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये है बैंक हॉलीडे वीकेंड का और आज मैं सुबह सुबह थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि नॉर्मल डेज़ में सबको को पागम भाग में ही ब्रेकफास्ट करना होता है और बस ब्रेड टोस्ट वगैरह ले, ले लेते हैं या सीरियल वगैरह बच्चे खाना पसंद करते हैं लेकिन आज मैं सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही ब्रेकफास्ट यहाँ पर बनाऊँगी और आज मेरे घर में सिर्फ़ एक एग था जो मैंने अपनी बेटी के लिए एग सैंडविच बना लिया उसके साथ ही अपने हस्बैंड के लिए मैंने बटर टोस्ट बनाए हैं और साथ मैंने बना लिए हैं पराठास जिसको पराठास खाने होंगे वो पराठा ले लेंगे और अपनी चॉइस के मुताबिक वो इंजॉय करेंगे छुट्टी के दिन वो गंद भी दिखाई देता है जो कि घर के दूसरे अफराद को दिखाई नहीं देता है तो आज मैं भी करने जा रही हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग वैसे तो घर साथ ही साथ क्लीन होता रहता है लेकिन डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली अभी समर स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे पास वीक डेज़ में इतना टाइम नहीं होता है मैं जॉब पर होती हूँ तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा मैं घर पर तोज्जो नहीं दे पा रही थी तो आज मैंने सोचा है कि वीकेंड है और तीन दिन है तो इन तीन दिनों में मिलजुल कर हम अपना काम निपटा लेते हैं तो पूरे घर को क्लीन करने में मेरी फैमिली में सब ने तकरीबन एक जितना ही काम किया होगा बेडरूम्स की क्लीनिंग कर दी थी मेरी बेटियों ने और जो बेडिंग्स वगैरह चेंज करना वैक्यूम वगैरह डस्टिंग वगैरह सब कुछ मेरी बेटियों ने कर दिया था और जो डाउन स्टेज है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया था रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करने का सबसे पहला जो काम मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको हटाना यहाँ से और कुशन कवर्स को मैंने वॉश करना था सोफ़ा थ्रोस को वॉश किया और उसके अलावा जो अभी ब्लैंकेट्स मैंने हटाए हैं उनको भी मैंने वॉश किया था और यहाँ से चीज़ों को उतार के मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट में रखा लॉन्ड्री बास्केट को मैं ले गई थी वॉशिंग के लिए और वन बाय वन मैं उन सब चीज़ों को वॉश करती रही थी और वॉश करने के साथ साथ ही उन सभी चीज़ों को मैंने ड्राई किया ड्राई करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए वॉशिंग लाइन पर लगाई ताकि वो फ्रेश हो जाएँ उसके बाद मैंने उन्हें प्रेस किया और दोबारा से यूज़ करने के लिए उन्हें रेडी कर दिया slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी तो एकदम से ध्यान गया कि मैंने विंडोज़ ओपन नहीं की हैं और मेरे घर की इस रूम की विंडोज़ इतनी ऊपर है कि वहाँ तक मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जाता तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि वो आके मुझे हेल्प करें और फिर मेरे हस्बैंड ने विंडोज वग़ैरह ओपन की The heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. सभी चीज़ों को हटाने के बाद हल्का सा मैंने माइक्रोफाइबर से सिर्फ डस्टिंग कर ली थी लेकिन जो अच्छे से डस्टिंग है वो मैं करूँगी बाद में तो डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने वैक्यूम कर ली वैक्यूम करने के बाद थोड़ी देर के लिए रूम को मैंने छोड़ दिया था और अभी मैं करूँगी इसकी अच्छे से डस्टिंग अच्छे से डस्टिंग से मुराद कि मैं स्प्रे से डस्टिंग करूँगी अगर आप किसी भी ड्राई चीज़ के साथ डस्टिंग करते हैं जैसा कि कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें या कुछ भी आप तो वो डस्ट वहाँ से उस वक्त तो उड़ जाएगी थोड़ी देर तक वहाँ से पेयर हो जाएगी लेकिन जब आप थोड़ी देर के बाद दोबारा से रूम में एंटर होंगे तो वो डस्ट फिर से वहीं उन्हीं जगहों पर आ जाएगी तो इसलिए सबसे बेस्ट टिप मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि पहले आप वैक्यूम से पहले हल्का सा किसी भी कपड़े से डस्ट को क्लीन कर लें और फिर उसके बाद जब आप वैक्यूम कर लें पाँच दस मिनट के लिए रूम को छोड़ दें उसके बाद आप किसी स्प्रे के साथ या किसी वेट क्लॉथ के साथ आप डस्टिंग करें यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है ये बिल्कुल भी देखने में लग नहीं रहा था कि इस पर थोड़ी सी भी डस्ट होगी लेकिन आप देख सकते हैं ये है वैक्यूम के बाद की डस्ट इससे पहले मैंने एक बार इसे क्लीन कर लिया था जैसा कि मैंने कहा है कि ये डीप क्लीनिंग है तो हर एक कोर्नर से कुछ ना कुछ निकल रहा है और निकाल के मैं चेक कर रही थी जो चीज़ें मुझे रूम में चाहिए वो मैं रखूँगी जो नहीं चाहिए उन्हें मैं निकाल दूंगी तो यहाँ पर मेरे रूम में बहुत सारे मैंने स्टोरेज बॉक्सेस रखे हैं जो कि कोर्नर्स में हैं जिनमें हमारा थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी होते हैं तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ये है मेरी छोटी बेटी का और ये बॉक्स भी उन्हीं का है और यहाँ पर उनकी गेम्स और स्टफ़ था और इसके अंदर एक मैंने ये नेट का पीस रखा है जो कि सामने लगाने के लिए नेट कर्टन है किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है तो यहीं से हम निकाल सकते हैं तो ये स्टोरेज बॉक्स मैंने यहीं पर ही रख दिया है इसे देखा था क्लीन किया थोड़ा सा इसको फ्रेश करके दोबारा से वहीं पर रख दिया है और उनकी टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन यहां से कर लूँगी जब घर में ब्लैक या वाइट फर्नीचर होता है तो उससे बहुत तोज्ज़ों की ज़रूरत होती है तकरीबन तो हर रोज़ ही डस्टिंग की ज़रूरत होती है और मेरे घर में विंडोज़ एवरी डे ओपन होती हैं और जब भी धूप होती है तो उसके बाद ज़्यादा डस्ट दिखाई देने लगती है। हर रोज़ अगर डस्टिंग करेंगे तो भी डस्ट घर के अंदर दिखाई देती ही है जब मैं अपने घर को समर के लिए डेकोरेट करती हूँ तो कोशिश यही होती है कि डेकोरेशन पीस बहुत कम घर में रखे जाएं और हर रूम में बस कॉर्नर्स कॉर्नर से जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं हटा देती हूँ क्योंकि समर में हर रोज़ विंडोज़ भी ओपन होती हैं डोर्स भी ओपन होती हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आने लगती है जिसकी वजह से हर एक डेकोरेशन पीस को हर रोज़ साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में जितना लेस हो उतना डेकोर रखूं लेकिन विंटर्स में जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं बाहर नहीं जाने होता घर के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है तो कोशिश करती हूं कि घर का एक एक कॉर्नर बहुत अच्छे से सजा दूं तो आज मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा यहां पर कैंडल्स थी डेकोरेशन पीस थे या जो भी मुझे इस रूम में लग रहा था कि एक्स्ट्रा है सभी मैंने यहाँ से हटा दिया था और हटाने के बाद मैंने जितना सिंपल हो सका है इस रूम को कर दिया है यहाँ अलहमद्ल रूम हो चुकी है बहुत अच्छे से साफ़ और मैंने थ्रोज़ वग़ैरह को दोबारा से बिछा दिया था कुशन कवर्स वगैरह मैंने दोबारा से लगा दिए थे और जो ब्लैंकेट्स ड्राई हो चुके थे उनको मैंने यहाँ पर रख दिया था अभी सारे के सारे ब्लैंकेट्स या थ्रोज़ वग़ैरह मैंने यहाँ से हटा दिए हैं सिर्फ एक ही रखा है क्योंकि इतनी ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं होगी और इसके अलावा कैंडल तो मस्ट है आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक मैंने सेंटेड कैंडल को ऑन कर दिया है और ये देखिए हमारे लिविंग रूम बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और इसमें सिर्फ मेरे टू आवर्स लगे थे जिससे मेरा घर आराम से साफ सुथरा हो गया था और इस रूम को क्लीन करने के बाद मैं गई थी अपने बच्चों को थोड़ी सी हेल्प करने के लिए क्योंकि बच्चे जितना भी काम कर लें उसके बावजूद भी माँ बाप का पास होना बहुत ज़रूरी है और मैं वैसे भी अपनी बेटियों को अकेले ज़्यादा काम नहीं करने देती हूँ जितनी देर तक मैं यहाँ पर थी मेरे हस्बैंड उनको हेल्प भी कर रहे थे साथ साथ और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाए खाना बनाओ कुकिंग करो क्लिनिंग करो ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना काम बच्चे आसानी से और खुश होके कर सके सिर्फ उतना ही उनको दूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरी हौसला अफजाई करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके लिविंग रूम में क्लीनिंग करने के बाद अभी मैं अपनी दूसरी लिविंग रूम यानी कि सिटिंग रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सामान था जो मुझे नहीं चाहिए उसे मैंने बॉक्स में रख दिया था सारी रूम को अच्छे से क्लीन किया है उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम जाता तो मैं चाहती थी कि आज के दिन ही ये मैं काम मुकम्मल कर लूँ तो क्लिनिंग वगैरह करने के बाद जो डेकोरेशन पीस मुझे यहाँ पर रखने थे वो मैंने रख लिए जो जो यहाँ से उठाने थे वो उठा के मैंने एक बॉक्स में रखे हैं उन्हें मैं चैटी कर दूँगी और इसके बाद मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए क्योंकि बच्चे बहुत टायर्ड फील कर रहे थे सारा काम हमने तकरीबन दिन के टू ओ क्लाक तक फिनिश कर लिया था और ये है सैटरडे का दिन फ्रेश होने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में बच्चों से पूछा था लंच के लिए तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि उन्होंने सुबह के वक्त हैवी ब्रेकफास्ट किया था बच्चों को चाहिए सिर्फ मिल्क शेक तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक मैं ज़्यादातर अपने घर में मैंगो पल्प रखती ही हूँ और इस तरह से मैं मैंगो पल्प ऐड करके इसमें ऐड कर लूँगी मिल्क और और मिल्क ऐड करने के बाद इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें कुछ भी शुगर वग़ैरह मैं ऐड नहीं करूँगी और स्पेशली आइस क्यूब्स का वैदर बिल्कुल भी नहीं है और ये मौसम कुछ ऐसा है कि अगर थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा ठंडा दे दिया जाए तो भी बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है अगर उनको बहुत गर्म दिया जाए तो भी ठीक नहीं है तो ये मिल्क मेरा फ्रिज में था और ये जो मैंगो पल्प है ये भी फ़्रिज में ही था तो इसलिए अभी उनके लिए इतना टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है इससे ज़्यादा मैं इसे कोल्ड नहीं करूँगी और मेरे घर में शुगर बहुत कम चीज़ों में इस्तेमाल होती है मेरे बच्चे ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करूँगी बस जो मैंगो पल्प का मीठा है वही उनके लिए इनफ होगा यहाँ पर जब मैं अपने बच्चों के लिए मिल्कशेक बना रही थी तो एक साइड पर मेरे हस्बैंड अपने लिए लंच भी माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे क्योंकि रात को मैंने बनाई थी बिरयानी और ज़रदा और मेरे हस्बैंड को बिरयानी और ज़रदा दोनों मिक्स करके खाना बहुत पसंद है और उन्होंने अपने लिए और मेरे लिए दोनों के लिए एक एक प्लेट में बना लिया था और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे खाना खाने में कंपनी चाहिए और लंच टाइम आप भी खाना खाएंगे तो इसलिए मैं भी अपनी प्लेट में जरदा और बिरयानी ही लूँगी आप लोगों में से कौन कौन मीठे और नमकीन चावलों को मिक्स करके खाना पसंद करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हम बहुत पसंद करते हैं और इनका जो टेस्ट है वो पाकिस्तान की बहुत सारी यादों को ताज़ा करता है खाना तो गर्म हो चुका था लेकिन इसके साथ अभी हस्बैंड को दिल चाह रहा था कि चाय पीनी है तो मैंने सोचा कि उनको चाय में भी कंपनी देती हूँ साथ उनके लिए चाय बना रही थी और अपने लिए कॉफ़ी और कभी कभार ऐसे होता है कि खाना खाने के बाद जल्दी उठने को दिल नहीं चाहता है तो इसीलिए मैंने चाय और कॉफ़ी भी साथ ही बना ली थी ताकि हम एक ही बार खाना खा के चाय पी के फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे और इस वक्त जोहर का टाइम भी था मैंने नमाज़ भी अदा करनी थी तो मैं चाहती थी कि खाने के बाद मैं नमाज़ अदा करूँगी फिर अपना फ़ैमिली टाइम होगा और रात के लिए खाना ऑलरेडी बना था कोरमा भी साथ कल रात को बनाया था क्योंकि जब मेरी पूरी फैमिली यानी मैं मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड हम सब घर पर होते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही खाना बनाऊँ ताकि वो इंजॉय कर सकें और हम सब एक साथ एक बहुत ही अच्छा सा टाइम भी स्पेंड कर सकें रात का खाना हमने खा लिया था उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ और उसके बाद जो लास्ट काम है वो ये था किचन क्लीनिंग सारी डिशेस वगैरह करने के बाद अभी मैं स्प्रे वगैरह करके काउंटर टॉप्स को क्लीन कर लूँगी और इस वक्त मैं बहुत थक चुकी थी बिल्कुल भी मुझे कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये काम मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ अगर ये रह गया तो मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम भी मैं डन कर लेती हूँ और यहाँ पर ये ऑयल बॉटल्स मैं Uh, दूसरी ऑयल बॉटल स्प्रे वाली लेके आई थी तो मैंने सोचा कि मैं वो चेंज करके ये यहाँ पर रख लेती हूँ क्योंकि इनकी ज़्यादा एयर फ्रायर में ज़रूरत होती है तो ये वाली यूज़ करूँगी किचन वग़ैरह मैंने क्लीन कर लिया था सारे काम डन कर लिए थे और इसके बाद मेरा ये एक पार्सल जो आज दिन को आया था मैंने सोचा इसे आपके सामने ही ओपन करती हूँ और फिर इसके बाद करूँगी अपने ब्लॉक का एंड मुझे वेब कैम्प स्टैंड चाहिए था जो मैंने अमेजन से ऑर्डर किया बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये आ जाया था तो मैंने इसे खोला और इसे अनबॉक्स करने के बाद इसे मैंने फ़िक्स भी कर लिया था और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ कुछ नई बातों के साथ तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी अल्लाह हाफिज़